हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम सीखेंगे सुमिता अरोरा क्लास 11 का चैप्टर टपल का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिटेल फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी तो आप गूगल पर सर्च कीजिए पाथ वाला, आप वहां से भी हमारे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और आंसर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना आइडियल पाइथन खोल लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, मैंने यहाँ पहले से ही क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, बस आपको समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू टपल, ठीक है, सिक्वेंस ए और एंड सिक्वेंस बी एंड प्रिंट ट्रू इफ एवरी एलिमेंट इन सिक्वेंस ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सिक्वेंस बी एल्स प्रिंट फॉल्स। मतलब क्या करना है, हमको दो टपल लेना है और ना हम दोनों को चेक करना है कि दोनों जो टपल हैं उन दोनों के एलिमेंट सेम है। अगर सेम है तो हमको क्या प्रिंट करना है, ट्रू प्रिंट करना है, नहीं तो फॉल्स प्रिंट करना है। मतलब बस चेक करना है कि दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं सेम है, मतलब टपल जो टपल है उसके एलिमेंट सेम है कि नहीं सेम है, ठीक। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टप वन नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम इवल फंक्शन लगाएंगे। पाइथन को बताता है कि आखिर बंदा इनपुट क्या किया है, लिस्ट इनपुट किया है कि टपल की डिक्शनरी, ठीक है, यानी तो इंटीजर, ठीक। तो उसके लिए इवल फंक्शन यूज होता है और फिर इनपुट यूजर को डेटा देते हुए, यूजर को मैसेज देते हुए कि इंटर द फर्स्ट टपल, ठीक। फिर इसे दूसरा भी कर देंगे सेकंड टपल, फिर इसके बाद कंडीशन लगा देंगे सिंपली इफ टप वन इक्वल टू टप टू तो क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट ट्रू, यानी तो एल्स प्रिंट फॉल्स। अगर इक्वल टू नहीं रहा तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, फॉल्स, ठीक। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ये इसको मैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ। आगे जैसे इसको मैं सबसे पहले एक टपल के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। टपल हमेशा आर्क ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसे टपल कहते हैं। ये देखिए एक टपल का फॉर्मेट हो गया और दूसरा टपल डालता हूँ पहले, ठीक। ओह सॉरी, ठीक। तो इसमें भी हम पहले एक इक्वल का देखेंगे फिर एक नॉट इक्वल का देखेंगे। तो इसमें हमारे हिसाब से ट्रू आना चाहिए, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ टपल वन टू इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ टपल टू, ठीक। तो ट्रू आना चाहिए, तो यहाँ देखिए ट्रू आ गया, ठीक। तो एक बार और इस बार फॉल्स वाला देखेंगे। तो फॉल्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक यही टपल ले लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, एक यही ले लेता हूँ, ये इंटर प्रेस करके ले लिया दूसरा। अब यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 5। तो इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप ये तो सिंपल प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इसको लंबा में लिखें, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड मेथड से लिखें, तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं कि ना पहले हम दो टपल इनपुट लें, फिर उसका उसका लेंथ निकाल लें, फिर उसके बाद उसका रेंज निकाल के फिर उसको काउंट करके, फिर उसका काउंट में जीरो रहा तो प्रिंट ट्रू होना चाहिए, नहीं तो बाकी फॉल्स हो जाना चाहिए प्रिंट। तो ये था, ये दूसरा प्रोग्राम था और ये सिंपल सा तरीका है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, यानी तो आप इसका लंबे मेथड के लिए आप ये भी अपना सकते हैं, ये भी प्रोग्राम सही है। दोस्तों ये था हमारा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरीज पूछना तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।